नमस्ते व्यूअर्स, कैसे आप अपने मोबाइल से घर बैठे प्री अप्रूव यानी टॉप अप लोन ले सकते हो। इसके लिए आपको बैंक पे जाने की कोई जरूरत नहीं और कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्री अप्रूव लोन 7,63,000 अप्रूव करके दिखाऊंगा। इसके लिए मेरा इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसके लिए आपके पास नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग होना चाहिए। तो नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग कैसे किया जाता है, इसके लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो पहले आप इनो SBI ऐप्स ओपन कर लीजिएगा। इनो SBI ऐप्स ओपन होने के बाद आपके सामने जितना भी ऑफर है और बैंक के द्वारा दिया गया जितना भी प्री अप्रूव लोन यानी टॉप अप लोन सब यहाँ पे नीचे दिखाई देगा। देखिए, मेरे पास दो ऑफर यहाँ पे है। एक ऑफर है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर एन इंस्टेंट प्री अप्रूव लोन ऑफ 7,63,000, नो ब्रांच विजिट, नो डॉक्यूमेंटेशन, इंस्टेंट क्रेडिट। मैं यहाँ से ये लोन में ले सकता हूँ। एंड मेरे पास और भी एक ऑफर है, देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर इंस्टेंट लाइफ कवर अप टू 2 लाख विदाउट एनी मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन, एबल इन 3 क्लिक्स। तो ये दो ऑफर मेरे पास है, मैं ये दो ऑफर कभी भी ले सकता हूँ। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा 7,63,000 प्री अप्रूव लोन कैसे लिया जाता है। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, प्री अप्रूव यानी टॉप अप लोन लेने के लिए आप यहाँ पे देखिएगा एबिल नाउ बॉटम है, एबिल नाउ बॉटम पर क्लिक कीजिएगा। एबिल नाउ बॉटम पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक पेज शो करेगा। आप यहाँ पे देखिएगा आपका आवर बेस्ट ऑफर फॉर यू, मेरे लिए ऑफर है 7,63,000 एंड लोन अमाउंट है 7,63,000। यहाँ पे ट्यूनर दिया हुआ है, यहाँ पे मंथ दिया हुआ है 72 मंथ्स, यहाँ पे बेस्ट अवेलेबल फॉर रेट 10% इंटरेस्ट रेट होगा, EMI 14,000 होगा एंड प्रोसेसिंग फी 0.75%। तो यहाँ पे देखिए 7,63,000 मेरे पास है। अगर मैं चाहूँ तो पूरा ही अमाउंट ले सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो और कम ही अमाउंट ले, जैसे कि मैं 5 लाख लेना चाहता हूँ, यहाँ से 5 लाख भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से 2 लाख लेना चाहता हूँ, 2 लाख भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल पूरा अमाउंट में लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं पूरा अमाउंट सिलेक्ट करता हूँ। और देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स 72 मंथ्स यानी टोटल अमाउंट का EMI कटेगा 72 मंथ्स। तो मैं यहाँ से कम भी कर सकता हूँ, 72 मंथ्स यानी 6 ईयर होगा, तो मैं 5 ईयर्स के लिए भी कर सकता हूँ एंड और भी कम कर सकते हो। लेकिन जितना कम करोगे उधर EMI भी ज़्यादा कटा जाएगा। तो मैं 72 मंथ के लिए मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। फिर प्रोसेसिंग फी देखिए यहाँ पे 0.75% यानी अप्रोक्सीमेटली 7,500 काटा जाएगा। तो ये सब सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखिए नीचे नेक्स्ट बटन है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने योर मनी विल बी डिपॉजिट इट इस अकाउंट नंबर पे, मेरा अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। तो EMI मैं कब कटवाना चाहता हूँ यह डेट यहाँ पे फिक्स कर लीजिए। आप चाहे तो 1 तारीख कटवाना चाहते हो, 2 तारीख कटवाना यानी 30 तारीख 30 तारीख भी कटवाना चाहते हो तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से कैलेंडर शो करेगा आप किस तारीख को कटवाना चाहते हो। तो यहाँ से आप अपना डेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ नेक्स्ट 14 सितंबर को। इसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। सॉरी, ये बैक हो चुका है। ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। फिर आप ओके बटन पर क्लिक करने के बाद नीचे नेक्स्ट बटन है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज पढ़ने के बाद आप नीचे देखिए आई हैव रीड अंडरस्टूड एंड एग्री टू एविल अवॉइड बाय टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ SBI। ये चेकबुक है, यहाँ पे चेकबुक पर टिक कर लीजिएगा। चेकबुक पर टिक करने के बाद आप नीचे देखिए कंफर्म बटन है, कंफर्म बटन पर कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद आपके सामने रिव्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा लोन अमाउंट, ट्यूनर लिखा रहेगा, EMI कितना काटा जाएगा यह लिखा रहेगा, प्रोसेसिंग फी लिखा रहेगा, अकाउंट नंबर भी लिखा रहेगा, EMI पेमेंट स्टार्ट डेट यहाँ पे लिखा रहेगा। यह सब चेक करने के बाद आप नीचे नेक्स्ट बटन पर, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वही OTP आप यहाँ पे दे दीजिएगा। OTP देने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके अकाउंट पे
सक्सेसफुली ये अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अनेबल प्रोसेस टू योर रिक्वेस्ट ड्यू टू टेक्निकल इशू, या टेक्निकल प्रॉब्लम के द्वारा दिखाई दे रहा है, लेकिन ओके बटन पर क्लिक कीजिएगा, फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा, ये अकाउंट सक्सेसफुली डिपॉजिट हो जाएगा। OTP सबमिट करने के बाद आपके सामने कॉन्ग्रेचुलेशन पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन, प्लीज चेक योर सेविंग बैंक अकाउंट फॉर द क्रेडिट ऑफ लोन अमाउंट। तो मेरा अकाउंट में सक्सेसफुली ये अमाउंट 763,000 अमाउंट सक्सेसफुली डिपॉजिट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, एंड मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू।